निजीकरण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा बुधवार की संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जहां विद्युत कर्मियों ने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने की शपथ ली। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति शाखा द्वारा निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष करने वाले समस्त साथियों को शुभकामनाएं दी गई। उन्हें संघर्ष के लिए हमेशा एक साथ रहने का आह्वान किया गया। समस्त विद्युत कर्मियों ने उपभोक्ताओं की बेहतर सुविधा की शपथ ली। मन वचन और कर्म से विभाग के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने और अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। विभाग हित के साथ साथ बेहतर उपभोक्ता सेवा मेरा लक्ष्य हो रहेगा। उनके द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी कोई कृत्य ना हो तो किया जाएगा और ना ही किसी को करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अभियंता विद्युत इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने कहा कि अब विद्युत कर्मचारी उच्च अधिकारियों द्वारा भेजे गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्ण मनोयोग से लग गए हैं। लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ समस्त बगैर मीटर के कनेक्शनों पर जल्द से जल्द मीटर लगा दिए जाएंगे। विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, उसकी वसूली हेतु अभियान चलाया जाएगा। निजीकरण की लड़ाई अब खत्म हो गई है और प्रबंधन को हमने आश्वस्त किया है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसी समय वे सुधार करेंगे। शासन की मंशा यह है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दिया जाए, सही समय पर बिल दिया जाए, बिल जमा करने की सुविधा दी जाए। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, हम जनता को कभी भी परेशान करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन से जनता को कुछ असुविधा हुई तो उस पर वे खेद प्रकट करते हैं। इस मौके पर संघर्ष समिति के संयोजक इंजीनियर ऐश्वर्य सिंह, अजय कुमार, अखिलेश गुप्ता, सोमदत्त शर्मा, एएच खान, राजेश प्रजापति, संदीप श्रीवास्तव, नरसिंह मौर्य, पुनीत निगम, शशि कपूर, सुजीत सिंह समेत सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। देख के चल, हम भी कभी तेरी तरह इंसान थे। आप लोगों ने, संघर्ष समिति ने मजा आ गया। हम लोगों को सूचना पहले ही मिल गई थी आने की, 4 बजे से ही हम लोग डटे हैं। चल रहा था जिसे सरकार काफी दबाव महसूस कर रही थी और निजीकरण की प्रक्रिया भी उन्होंने फिलहाल 3 महीने के लिए ठंडे वस्त्र में डाली है। 5 रहे घंटे थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, उनके बाद दिक्कत भी आएगी। सब कोई छोटे होते आ रहे हैं, त्योहारों का समय है। मेरे ख्याल से 15-18 दिन से रामलीला शुरू है। तो होता है कि बुरा समय था जो गुजर गया, अब आगे आप तत्परता से काम करें ताकि कोई आप लोग कमी ना निकाल करें। क्योंकि मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जितना भी गाँव में विद्युतीकरण हुआ है सौभाग्य योजना में, इसमें मेरा आभास, मेरा अनुभव है कि करीब 2.5 लाख कनेक्शन फालतू खुल गए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डैशबोर्ड जो दिखा रहा है वो हकीकत नहीं है। क्योंकि तो सोमदेव जी को मैंने अभी बार बार किसी बात को करना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को जो भी काम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, मैं बोलूँगा आप बोलिएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मन वचन से विभाग के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। विभाग हित में और उसके साथ साथ बेहतर उपभोक्ता सेवा।